नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सीखेंगे हम सेंट्रोइड यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, उस का जिसमें कोई एक क्षेत्र काट लिया जाता है ना। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि चित्र के अनुसार समलंबाकार क्षेत्र है, मतलब ये एक समलंब है, ये क्या है ट्रेपेजियम है, इसमें से क्या है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र काटा गया है। तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र काटने के बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका मुझे क्या निकालना है, केंद्रक निकालना है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। उसमें दे रखा है कि समलंब है हमारे पास में, समलंब की जो छोटी भुजा है उसकी मेजरमेंट है 30 mm और बड़ी भुजा है 60 mm, है ना। उन दोनों के बीच की दूरी, दैट मीन्स हम हाइट भी कह सकते हैं, तो वो कितनी है 40 40, कितना हो गया 80 mm हो गया उनके बीच का, है ना। और ये इसमें से एक अर्धवृत्त काटा गया है जिसका डाया है कितना भी 40 mm। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। तो हमें जो पोर्शन बचा हमारा उसका हमें सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, इसमें कोई भारी बात नहीं है, जो पोर्शन वाइज निकाला गया है उसको हमें माइनस करना पड़ता है, बाकी सब कुछ प्रोसेस वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, है ना। भाई इसमें माइनस कर देंगे इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो ये समझते हैं, मैंने इसका एक इधर फिगर बना लिया, रफली फिगर। इसमें मैंने क्या किया, ये जो आपका समलंब है ना, उस समलंब को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो इसकी छोटी वाली भुजा थी इसके मैंने बिल्कुल समानांतर एक लाइन कट कर दी, डॉट डॉट, है ना। इस प्रकार से एक ऊपर मुझे देखने को मिल गया एक त्रिभुज, है ना, यानी एक ट्राइंगल मुझे देख एक बन गया, इसमें एक ट्राइंगल बन गया। और इस तरह से मैंने काटा था, ये बन गई हमारी एक आयत, है ना, एक त्रिभुज बन गया, एक आयत बन गई और एक बन गया हमारा इसमें एक अर्धवृत्त। इस प्रकार से मेरे इसमें तीन सेक्शन डिवाइड हो गए, है ना। तो मैं इन सेक्शन को नाम दे देता हूँ, चलो अपनी सुविधा के अनुसार से। इसे मैं देता हूँ सेक्शन एक, इसे सेक्शन दो और इसे सेक्शन नंबर तीन मैं कह देता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, वही अब मैंने क्या किया, इस लाइन को इसको मान लिया मैंने भी, ये है आपकी एक्स एक्सिस, और इसको मान लिया मैंने भी, ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सब का सबसे पहले मैंने सेक्शन नंबर एक ले लिया, सेक्शन नंबर एक। तो सेक्शन नंबर एक क्या है हमारा भी, सेक्शन नंबर एक है हमारा ट्राइंगल। क्या है हमारा भी सेक्शन नंबर एक, सेक्शन नंबर एक हमारा ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के सबसे पहले आप निकाल लीजिए एरिया, आप इसका एरिया जानते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं A1। एरिया A1 होता है आपका भी, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस क्या है इसका भी, अब बेस देख रहे हैं ये है 40 40, कितना हुआ 80, तो बेस हुआ इसका भी 80 इंटू हाइट कितनी है इसकी भी, इस ट्राइंगल की हाइट आप देख रहे टोटल कितना है, टोटल 60 है और ये 30 है, तो कितना हो जाए 30, तो इंटू 30 दो से कट करा मैंने भी, दो चौक 8 तो 4 दे कितना हो गया 12, इसका मतलब 1200। अब mm में है तो 1200 mm स्क्वायर ये हो गया इसका भी एरिया, एरिया नंबर 1 A1। ठीक है, अब बात करें इसके हम जो हमारे अक्ष दिए हुए हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी निकालनी है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके X1 की, है ना, तो X1 मतलब इस वाले अक्ष से दूरी। अब मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, कभी कोई किसी को कंफ्यूजन ना हो, ये आप देख रहे हैं इसमें एक ट्राइंगल है मेरा। ठीक है, ट्राइंगल कैसे भी रूप का हो सकता है, समलंब मतलब एक हो सकता है अभी आपका ये समकोण त्रिभुज है, कैसे भी त्रिभुज आप ले लें, मान लिया ये त्रिभुज आप लेते हैं, ये वाले ले लेते हैं। तो अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूं तो आप जानते हैं, अगर मैं इस वाले को अक्ष मानू, है ना, इस वाले को अक्ष मानू, तो ये हमारी टोटल हाइट है एच, है ना। मैंने उस तरह भी आपको कल बताया था कि ये आपके अगर एच है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारी हाइट है इसको मैं तीन पार्ट डिवाइड कर लेता हूं, है ना। तो तीन पार्ट में, तो ऊपर से तो इसके दो पोर्शन और नीचे से इसका एक पोर्शन, ऊपर से दो पोर्शन नीचे से एक पोर्शन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन पोर्शन होंगे, दो और एक तीन होंगे ना। तो इसका अगर नीचे से मैं सेंटर निकालूंगा यहां से, तो वो होगा इसका H/3। ठीक है, H/3 मतलब तीन में से एक पार्ट, और ऊपर का जो पोर्शन है वो कितना होगा भाई, H यानी के H का 2/3 पोर्शन, यानी के ठीक है 3 में से 2 पोर्शन ऊपर रहेगा।
ठीक है। इसी प्रकार से कैसे भी थ्रू जब लेंगे तो अगर शीर्ष की तरफ से होता है इसके दो, शीर्ष की तरफ से होते हैं दो हिस्से और नीचे की तरफ से होते हैं उसका एक हिस्सा, मतलब दो अनुपात एक में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया वाला पोर्शन, नीचे से अगर हम लेंगे, नीचे से काउंट करेंगे तो होगा हमारा एच बाई थ्री, और अगर ऊपर से हम काउंट करेंगे, ऊपर से अगर हम देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कितना होगा हमारे में टू बाई थ्री एच या टू एच बाई थ्री। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि यहां से अगर हम यहां से एक्स वन निकालेंगे तो एक्स वन मतलब यहां से डिस्टेंस, और ये क्या है आपका शीर्ष है, तो शीर्ष से हम इसके बेस की तरफ को चल रहे हैं। जब शीर्ष से बेस की तरफ को चलेंगे तो क्या होगा, दो बटे तीन एच, और एच कितना है इसका, ये वाला, ये पोर्शन कितना है इसका भी, ये है 80, कितना है इसका 80 है, ठीक है। तो अब मेरे कितना होगा भी 8 × 16 = 360/3, है ना। कट कर लेंगे इसको तो 3 × 15 और 3 × 9 और 3 × 9 53.33 mm, ये आ गया आपका भी एक्स वन, ठीक, कोई दिक्कत। अब फिर हम निकालते हैं बाई वन, बाई वन मतलब इस एक्स अक्ष से दूरी, इस ट्राइंगल की। अब हम बात कर, मैंने आपको बताया कि अगर नीचे से लेते हैं तो क्या होता है, अभी ये एच बाई थ्री होता है, ठीक है। तो अभी यहां तक का पोर्शन तो हमारा क्या रहेगा सेम, यानी कि 30 है। तो बाई वन की बात करूंगा तो कितना होगा भाई 30 + मतलब 30 तो ये वाला, अब बात करेंगे यहां से ऊपर की तो ये कितना हमारा टोटल भाई 30 है, तो प्लस 30 × h/3 मतलब इसका 3/3 तो 30/3, ठीक। तो 3 × 9 = 30, तो 10 और 30 कितना हुआ 40, तो बाई वन कितना हुआ मेरा भाई 40 mm, ठीक। अब मैं निकाल चुका हूं एक्स वन भी निकाल चुका हूं, बाई वन भी निकाल चुका हूं, ठीक है। अब हमारा सेक्शन नंबर एक तो हो गया कंप्लीट। सेक्शन नंबर दो पे आते हैं हम, तो सेक्शन नंबर दो हमारा क्या है भाई, सेक्शन नंबर दो हमारा है एक आयत है। सेक्शन नंबर दो क्या हमारा भाई एक आयत है। सेक्शन नंबर दो क्या हमारा एक आयत है। आप जानते हैं भली बात ही कि आयत का एरिया क्या होता है, सिंपली आयत का एरिया क्या होगा, इसे मैं ए टू कहता हूं, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी इसकी, 40 40 80 हो गया, तो 80 × 30, तो 80 × 30 कितना हुआ 2400 mm स्क्वायर, ठीक। अब निकालना मुझे इसका एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष आपका ये है, तो एक्स अक्ष से दूरी होती है आपकी बाई वन, और बाई एक्स से दूरी होती है आपकी एक्स, ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी बाई वन और बाई एक्स से दूरी एक्स वन, तो बाई एक्स से दूरी निकालूंगा, दैट मीन्स एक्स वन, सॉरी अब ये टू सेक्शन लिया तो टू निकालेंगे, दैट मीन्स मैं कहूंगा एक्स टू। तो एक्स टू कितना होगा भाई, यहां से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, अब ये टोटल है 80, तो 80 का हाफ कितना हो गया 40, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं कितना होगा भाई 40 mm, ठीक है। अब इधर से लेता हूं बाई वन बाई के लिए, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी है आपकी भाई 30 है, तो 30 का हाफ कितना हो गया 15, तो बिना बाई टू कितना हो गया भाई, बाई टू हो गया मेरा 15 mm, ठीक है। तो मेरा सेक्शन नंबर टू भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं सेक्शन नंबर थ्री। सेक्शन नंबर थ्री क्या है मेरा, सेक्शन नंबर थ्री है मेरा सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त है। तो सेक्शन नंबर थ्री पे मैं आता हूं, सेक्शन नंबर थ्री वो क्या है मेरा भाई अर्धवृत्त है, क्या है वो अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त का सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एरिया, तो एरिया नंबर थ्री, तो एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्या है सेमी सर्कल है, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का हाफ, तो पाई की वैल्यू ऐसे लेने दो, आर मतलब रेडियस कितनी है, डायमीटर कितना है 40 है, तो रेडियस कितनी जाएगी इसकी 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया, अगर ये हो गया 400 π/2, 2 से कट करा मैंने कितना हो गया 200 π, कितना हो गया भैया 200 π mm स्क्वायर। कैलकुलेटर की हेल्प से पाई की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अर्धवृत्त हमारा ही, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 628.3 mm स्क्वायर, ये हो गया इसका भी एरिया, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली हमारी ये है कि अगर हम इसका निकालेंगे भी एक्स और बाई दूरी, तो ये हमारा सेक्शन ये क्या हमारा बाई एक्स है, तो बाई एक्स से दूरी निकालेंगे, ये कितनी मेरी 40 है,
और 40, अब आपको पता है कि इसके बिल्कुल सेंटर सेंटर पॉइंट पे, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से है ना ये दूरी होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी जहां आपका क्या पर इसी लाइन पे वर्क करेगा आपका इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंट्रोइड। तो 40 ये हुआ और 40 इसका डायमीटर था, 40 का हाफ कितना हो गया रेडियस की 20, तो 20 ये और 40 ये कितना हो गया कुल मिला के 40 20 60। तो मैं कह सकता हूं भाई इसका x3 कितना हुआ इसका भी 40 प्लस के 20 कितना हुआ 60 mm। क्लियर। अब आते हैं बात भी इसकी जो बाय डिस्टेंस है यानी कि इस वाले अक्ष से, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो बाई थ्री होगा, आपको पता है कि अगर हम कोई भी हमारा अगर ये सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल का नीचे से जो इसका सेंटर होगा, जो सेंटर होगा है ना मतलब जो सेंट्रोइड होगा वो कितना होता है, वो होता है अभी आपका 4r/3π। कहां पे होता है 4r/3π डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो मैं इसका निकालूंगा बाई थ्री, तो बाई थ्री क्या हो जाएगा इसका भी, हमारे पास रेडियस गिवन है तो 4r/3π, ठीक है। हमारे पास रेडियस है 4 × r की वैल्यू कितनी है हमारी 20 mm हो जाएगा, तो 20/3π, तो 4 × 20/3π। कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा निकल गया आया अभी बाई थ्री है हमारा 8.5 mm, ठीक है। तो मेरे पास में आप सब कुछ आ चुका है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 की सभी चीजें मैं निकाल चुका हूं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और a1 a2 a3, ठीक है। अब यही चीज है इंपोर्टेंट निकालने की। अब आते हैं बात भाई, अब इसका हम जब सेंट्रोइड निकालेंगे है ना, तो सेंटर निकालने के लिए मुझे एक्स बार और वाई बार चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा अभी इसका एक्स बार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है अभी, a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 / a1 + a2 + a3, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि यहां पर जो हमारा सेमी सर्कल है वो कट किया गया है, जब यहां से कट किया गया तो यहां से उसको इरेज कर देंगे मतलब यहां इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या करेंगे सेक्शन नंबर 3 को हम माइनस करेंगे, सेक्शन नंबर 3 का पोर्शन ये है तो यहां पे हम लगा देंगे माइनस का निशान और यहां पे हो जाएगा हमारी माइनस का निशान, यही इंपोर्टेंट बात, ठीक है। और उसी प्रकार से जो हमारा बाई निकलेगा, बाई बार निकलेगा है ना, तो बाई बार में भी हम क्या करेंगे भाई, a1 / 1 + a2 / 2 माइनस कर देंगे इसमें हम a3 / 3 / a1 + a2 - a3, ठीक है। बस यही इंपोर्टेंट बात है समझने की, बाकी तो क्या करना हमने वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी जो मैं निकाल चुका हूं वैल्यू, ठीक है। तो मैंने उठा के रखा वैल्यू भी हमारी सारी, a1 की वैल्यू कितनी है हमारी, a1 है हमारा 1200, x1 कितना हमारा, x1 हमारा 53.3 प्लस a2 कितना हमारा, एरिया नंबर टू हमारा ये है 2400 मल्टीप्लाई x2 कितना हमारा 40 माइनस एरिया नंबर 3 कितना हमारा ये है 628.3 x3 कितना हमारा ये है 60/ एरिया नंबर 1 ये है हमारा 1200 प्लस 2400 और माइनस 628.3, ठीक है। ये कैलकुलेटर में वैल्यू फिट करो और हमारा एक्स बार निकल के आ चुका है कैलकुलेटर की हेल्प से, एक्स बार हमारा है 41.14, कितना है बच्चों 41.14 mm, ठीक है। ये निकाल चुके हैं हम एक्स बार, ठीक है। उसी प्रकार से हम सेम वे में वाई बार निकालेंगे, तो हमारे पास एरिया नंबर 1 कितना हमारा, एरिया नंबर 1 कितना हमारा 1200, तो हमने रखा भी 1200 गुणा बाई वन कितना हमारे पास में, बाई वन हमारा 40। स्टूडेंट्स ये वैल्यू बिल्कुल सटीक तरह से यहां से उठा के रखते हो, अगर यहां से उठाने में जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब क्या पता आंसर गलत हो सकता है ना, अगर कोई वैल्यू खरीदी हम जल्दी में। प्लस a2 कितना हमारा, a2 हमारा एरिया कितना भी, ये हमारा 2400 है
2400 और बाई टू कितना हमारा 15 है, माइनस ए थ्री कितना हमारा, यह ए थ्री हमारा 628.3 इंटू बाई थ्री कितना है, बाई थ्री हमारा यह है 8.5 अपॉन एरियाज 1200 प्लस 2400 और माइनस 628.3 ठीक है। अब मैं निकल के कितना आया, ये कैलकुलेटर रहता है सॉल्व किया तो बाई वाली की वैल्यू सोल्व करिए हमने तो निकल के आया 26.469। तो मैं कह सकता हूं अप्रोक्स वैल्यू है मेरी कितनी भी 26.5 mm ठीक है। तो आप निकाल चुके हैं एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आपको कोई भी, अब इसमें इसी प्रकार से और भी सेक्शंस देखने को मिल सकते हैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है परीक्षा में, है ना। तो इसमें बिल्कुल सिंपली क्या करा था मैंने अभी, ये हमारे पास समलंब रखा था, उस समलंब में एक क्या अर्धवृत्त काटा गया था और मैंने क्या किया उस अर्धवृत्त जो कटा हुआ सेक्शन है बस उसको क्या कर लेते हैं, उसके एरिया को यहां से कट कर लेते हैं सेक्शन को। मैंने क्या किया इसका रफली फिगर बनाया है और इसके सेक्शन नंबर मैंने अलग अलग कर लिए। मैंने जो समलंब है उसका एक त्रिभुज इसमें निकाल दिया, ये त्रिभुज है और ये आपका आयत बना और ये बन गया आपका, ये तो आपका है ऑलरेडी क्या है अर्धवृत्त, इनको मैंने सेक्शन नंबर बन दे दिया, इनका एरिया निकाला सभी का और ये एक्स एक्स मान ली और ये आपकी बाई एक्स मान ली, ठीक है ना। फिर अपने हिसाब से इसको मैंने सेट किया, सबके एरियाज निकाले हैं और सबकी मैंने डिस्टेंस निकाली है अक्षों से, है ना, एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, एक्स थ्री बाई थ्री। अब जितना ही मैंने पोर्शन निकाला उसके बाद मैं निकाल के फॉर्मूला में फिट कर दिया और आपके पास में आ चुका है एक्स बार और वाई बार, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करते रहो, नोटबुक में इसको लिखो तभी समझ में आएगा, इसे समझ आने का बिल्कुल जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।